एकदम नर्वस आ गई है उनको लगता है, और उनको आज हमें हरा कर ही रहना है। नहीं, इनके तो बस का कुछ नहीं है। हसन हंस बस के, हंस के नोट पर ये इतना क्यों दांत फाड़ रहे हैं, हमारे ऊपर फाड़ रहे हैं। बिल लिख आई, अरे बाप रे, उनका सिर खा लेंगे। अरे इतना दांत फाड़ फाड़ के क्यों हंस रही है? हमारी दीदी को ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? काहे? हाँ, तुम्हारी का प्रॉब्लम है? हंसने पर टैक्स थोड़ी ना लगता है। हाँ, हम पर हंसने पर टैक्स लगता है, और ज्यादा हंसी ना तो कुछ और भी लग सकता है। काहे, एक बात बताओ, तुम सबको अपना पति समझती हो का? कि जलीकट्टी सुना रही हो, ज्यादा जुबान चलाए ना तो जुबान को बेल कर तल देंगे, समझी? गोरी चमड़ी, तू ऐसे नहीं मानेगी। नहीं मानेंगे। तू हाथों से ही मानेगी। देखो, बस करो, बस करो। सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें बेलन चलाना है ना तो ये आपका जो बेलन है ना, मेरे टकले टकले पे नहीं, सॉरी, ये चकले पे चला लो। और तुम्हें अगर ये कर्ची चलानी है ना, मुझे बोलने तो दे दिया करो। लो चलाओ, एक काम करो, ये पतीला तुम ही रख लो, अपना सारा गुस्सा इसी पे निकाल लो, रख लो तो अपने पास, और ये भी चकला तुम रख लो। लेकिन जो गुस्सा है ना, एक दूसरे पे मत निकालो। तो इससे पहले कि इन दोनों के बीच में असली जंग शुरू हो जाए, हम शो शुरू करते हैं, जिसका नाम है डाबर रेड वे फ्रेश जेल प्रेजेंट्स किचन की जंग दंगल फैमिली के संग। को पावर्ड बाय कैच मसाले, एसोसिएट स्पॉन्सर हाज मोला। तो मिलिए तो से नैना मिलाई के परिवार से, गरम मिजाज जोड़ी जेठानी और देवरानी हंसनी, और कैसा है ये रिश्ता अनजाना परिवार से, देखते कोयले की जोड़ी देवरानी अनमोल और जेठानी मृदला। और हमारे दिग्गज जजेस से, जजेस कहाँ? जजेस है नहीं, जजेस किधर गए? किधर गए? अरे अरे अरे, बाहर जाओ, बाहर जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई, सही हो गया। आ जाओ। अली भैया, माहौल ठंडा हो गया ना? एकदम एकदम, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। चलिए हम आपको हमारे जजेस से मिलाते हैं। जज सुमन, जज कुरांगी एंड जज अदिति। तो चलिए शुरू करते हैं किचन की जंग। तो हम आपको बता देते हैं कि आपको यहाँ करना क्या है। आपको यहाँ तीन राउंड्स खेलने हैं, और तीन राउंड्स के बाद जो परिवार जीतेगा सबसे ज्यादा राउंड, उसे मिलेगा स्वाद के सम्राट का खिताब, और वो चमचमाती ट्रॉफी। पहला राउंड खेल लेते हैं, खेल लेते हैं। जेठानी खुश होती है जब देवरानी को पढ़ते हैं सास के ताने। हमारा अगला राउंड है तोड़ो तो जाने। किसको तोड़ना है अली भैया? किसको तोड़ना है? अभी बताते हैं कि आपको करना क्या है। साथियों, सामान लाया जाए। पति को कहते हैं प्यार से चन्ना, इस गेम में आपको तोड़ना है गन्ना। जैसा कि आप सब देख रहे, आप सबको दिख ही रहा होगा, इतने सारे गन्ना है यहाँ पर। आपको करना क्या है, आपको एक एक करके गन्ने उठाने हैं और तोड़ने हैं। जो परिवार करेगा 1.5 मिनट में सबसे ज्यादा टुकड़े, वो जीतेगा जजेस के दिल का लड्डू। देखो, फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ गन्ना तोड़ना है, एक दूसरे का सर नहीं तोड़ना। 1 2 3 स्टार्ट।
एक टाइम पे एक ही तोड़ेगा, एक टाइम पे एक तोड़ेगा। रोको, इधर इधर इधर। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। देखो, इस गन्ने को सिर्फ गन्ना नहीं, सामने वाले का हौसला समझो और तोड़ डालो, तोड़ डालो। ओए भाई, ऐसे तोड़ रही हूँ। इतने मजबूत घुटने के आगे तो कोई भी घुटने फेंक दे। अली भैया, अली भैया, कुहू ने तो गन्ने का लहू ही निकाल दिया। हम हार रहे हैं क्या? अली भैया पीछे ही रहते हैं। ये तो आप मार दे फिर तुला ही। बरस बाप लब्बा। एक मिनट हो चुका है। चलो चलो चलो। जेठानी ने जो है कमान देवरानी के हाथ में दे दी। ओके, वन वन, ओके, टू थ्री थ्री। कैसा है ये रिश्ता अनजाना कि गन्ने गिनते हैं। एक, इन लोगों को बहुत दिख रहा है। ये दो, चार, अट्ठाईस, उनतीस, तीस, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 के साथ जीती है। कैसा है ये रिश्ता अनजाना? ठीक है अली भैया, अली भैया, अब भले ही इन्होंने गन्ना तोड़कर दिल का लट्टू जीत लिया, लेकिन अगला राउंड में हम इनका हौसला तोड़कर ट्रॉफी जीतेंगे। तो जी जजेस प्लीज आइए और विनिंग टीम को दिल का लड्डू दे दीजिए। तो बढ़ते हैं अगले राउंड की ओर। अर्ज किया है इरशाद, 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 इरशाद। मुलाइजा फरमाइए। हाँ हाँ। बहू हो कमरे में, हाँ क्या बात है? बहू हो कमरे में तो ससुर आने से पहले है खास्ता। बहू हो कमरे में तो ससुर आने से पहले है खास्ता। हमारा अगला राउंड है दास्तान है नाश्ता। बहुत बढ़िया। इस राउंड में आपको बनाने हैं 15 मिनट में झट फट 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 फुट फट मट फुट फट 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 नाश्ता। योर टाइम स्टार्ट नाउ 15 मिनट। तो अनमोल और मृदुला क्या बना के दिखा रहे हो दर्शकों को अपनी हाथों की कला? हम लोग बना रहे हैं कलमी वड़ा। आहा, तो लगे हाथ हमारे दर्शकों को इसकी सामग्री और विधि भी बता दीजिए। ये चने की दाल है, हमने दाल। इसे रात भर सोक किया है पानी में, भिगोया हुआ है, और फिर हम इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे इस कप में। और फिर हमारे पास ये कुछ मसाले भी हैं जिसमें है धनिया, सौंफ, लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये हमारे पास हींग है, हींग, और ये जीरा, जीरा, और फिर सबको मिक्स करके हम इसको गूंद लेंगे। गूंद लें, गूंद। ओके, तो मुझे ये बताओ कि इसे गूंदने के बाद, मतलब डो बनाने के बाद आप इसका क्या करोगे? जब हमारा जो वड़ा है वो जब फ्राई हो जाएगा ना, हम उसको अलग कर लेंगे और फिर एक अलग पैन में हम अपना तड़का तैयार करेंगे। उसमें थोड़ा सा तेल डाल के, थोड़ी हरी पत्ती डाल के और हल्का सा ग्रीन चिली डाल के और फिर ये जीरा डाल के, और फिर उस तड़के को हम अपने वड़े के ऊपर डाल देंगे।
अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों ने यही रेसिपी बनाने का क्यों इरादा किया? वो अली भैया, इसके पीछे ना बड़ी एक खास वजह है। ये जो हमारा कलमी वड़ा है ना, ये 3 पीढ़ियों से बनते आ रहा है। तो मेरी दादी सास ने मेरी सासू माँ को सिखाया, और फिर हमारी सासू माँ ने हमें सिखा दिया, और फिर तब से हम ये बनाते आ रहे हैं, और अब हम दर्शकों को बता रहे हैं ताकि वो भी। 4 जनरेशन हो गए, क्या बात है। तो जी मैं तो अभी इंतजार नहीं कर सकता, मुझे भी खाना ही है, तो जल्दी जल्दी काम शुरू करो। बस चलो चलो जल्दी जल्दी। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। हम इधर है अली भैया, जल्दी आइए, हम बता देते हैं आपको। हंसनी हंसनी, क्या है सनसनी? मतलब क्या बनाने का सोचा है तुमने? मक्के की टिक्की। मक्के की टिक्की बना रहे हैं तो मक्के की टिक्की। ये देखिए, ये बनाना क्यों सोचा आपने? अरे इसके पीछे का वजह ना हमारी नानी थी। नानी थी? हाँ। कैसे? हमारी नानी के हाथ से ना बीजी फसल का बहुत बरकत होता था। हाँ। तो उनके घर में ना सबसे ज्यादा मक्के का ही चीज बनता था। तब हमारी नानी ना हम दोनों के लिए मक्के का टिक्की बना दी थी, और इतना मक्के का टिक्की बना दी थी, इतना बना दी थी कि अली भैया खा खा के ना मुँह गए थे। लेकिन हाँ, अभी हमारी नानी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब भी हमको नानी याद आती है ना, हाँ। हम फट से नानी की याद में मक्के के टिक्के बना लेते हैं। क्या अभी हमारी नानी जहाँ भी होगी ना, हम ये मक्के के टिक्के जो हम बना रहे हैं ना, वो देख के बहुत खुश होगी, है ना नानी? क्या बात है, आपके इस मक्के की टिक्की को खा के हम भी आपके नानी को याद करेंगे। बहुत अच्छा, अभी जल्दी जल्दी हमारे दर्शकों को जो है ना इसकी सामग्री और विधि भी बता दीजिए। इसमें थोड़ा सा हम आटा लिए हैं, और ये मक्के को ना हम पीस लिए थे पहले से, मक्के को पीस लिए, और उसका भी आटा ना इसमें मिला दिया है। देखिए अच्छा, बहुत बढ़िया मिश्रण कर दिया, मिश्रण कर दिया, फटाफट कर दिया इसमें, और इसमें ना थोड़ा जीरा डाल दिया, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया, मतलब, और ये जो है ना इसमें ना मेथी और पालक दोनों को काट के रखे हैं, ताकि ना उसका जो टेस्ट है ना और फ्लेवर, हाँ, फ्लेवर जो है थोड़ा सा तीखापन भी आ जाएगा मेथी की वजह से। इसमें इसमें ये डाल दिए हैं, और ये कड़ी पत्ता, नमक गरम मसाला डालेंगे दीदी, अभी डालेंगे। ठीक है, मसाले, हाँ, कौन से मसाले जाएंगे इसमें? नमक डाल दिए हम, नमक, थोड़ा सा हल्दी, बस कलर के, हल्दी सिर्फ कलर के लिए। इसमें डाल दिए हम थोड़ा सा चाट मसाला, चाट मसाला थोड़ा सा, बच्चा लोग इसलिए थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए। आपके लिए डाल रहे हैं जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, ये डाल दिए हम सब। अब इसको ना एक बार ऐसे अच्छे से मिला लेंगे, मिला लेंगे, और उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद देंगे, ऐसा गूंदेंगे कि थोड़ा सा टिक्की, जैसे आलू टिक्की होता है ना, वैसा बना के, चाहे तो आप फ्राई कर लीजिए, या तो आप तवे में फ्राई कर लीजिए, शैलो फ्राई या डीप फ्राई, दोनों भी कर सकते हैं। हमारे मुंह में पानी आ रहा है, हम बना रहे हैं दीदी। चलिए चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अली भैया, आपको तो खांसी खराश हो रहा है। हाँ, वो अचानक कहाँ गए अली भैया? दीदी, अली भैया को खराश हो रहा है ना, हम बताते हैं खांसी खांसी खराश के लिए ना हमारे पास एक उपाय है, बताते हैं। क्या उपाय? दीदी के पास बहुत उपाय रहता है, वो है डाबर हनीटस कफ सिरप। देखिए इसमें है हनी, बनापसा, मुलेठी, तुलसी जैसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम आपको एक और चीज बताते हैं, हाँ। जब हमारे घर में भी ना किसी को भी खांसी खराश होता है, तो माई डाबर हनीटस कफ सिरप देती है, काहे? क्योंकि ये है देश का नंबर 1 आयुर्वेदिक कफ सिरप, तेज भी है असरदार भी है। तुम दोनों देवरानी और जेठानी हो, और अक्सर हमने देवरानी और जेठानी को एक साथ
खाने का कुछ किया यार। अरे खाली भी कॉम्पिटिशन है खाने का, हो सके तो वापस से डांस। ये डांस कॉम्पिटिशन नहीं है, ये कुकिंग कॉम्पिटिशन है। देवरानी जेठानी भूल गई, तू जी जल्दी से परोसो, जल्दी से परोसो, जल्दी से परोसो, वक्त नहीं है। ये काम करो कुहू, ये वक्त, ये देखिए, ओ हो हो हो, अति सुंदर, अति सुंदर, काउंट डाउन, नाइन, तुम कब से खड़ी हो, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, हो गया, हम शुरू करेंगे कैसा है ये रिश्ता अनजाना से। ओ जज सुमांश, अरे वाह, पहले भाई चटनी, चटनी के साथ, चटनी के साथ, चटनी के साथ, हाँ क्योंकि हरी चटनी तो मेरी फेवरेट है। बिग बाइट, टूटा 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 टूटा, ओ माय गॉड, टूट गया, क्रिस्पी। जज क्या है आपकी, कैसा है, व्हाट इज द फीलिंग याद आ गया मुझे 17 का टेबल, जब पड़ा मुझे टीचर का डंडा, याद आ गया मुझे 17 का टेबल, जब पड़ा मुझे टीचर का डंडा, बहुत टेस्टी है आपका ये कलमी बड़ा। पुरांगी जी बताइए, इज इट टेस्टी, इज इट यम्मी, से 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 और नो, बोलो बोलो कैसा लगा, बहुत यम्मी है, बहुत यम्मी है, चलो पहले थोड़ा ना, बहुत ज्यादा हार्ड है ना, कमी है, तो कमी है, सारा बहुत बहुत अच्छा है, बट अंदर से बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, चलो अब बारी है जज अदिति की। चटनी नहीं, चटनी नहीं, अदिति जी, अदिति जी, अदिति, हां कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप अगली बार अच्छे से ट्राई कर सकते हो, लेकिन बच्चे तो देखो मन के सच्चे होते हैं। तो है अगले परिवार की तरफ, तो से नया नाम मिला के सुमांश, टेस्ट कीजिए और बताइए। अर्ज किया है, हाँ। कार में आगे होता है बुलेट, पीछे होती है डिक्की, हाँ। इतना प्यारा लगा है मुझे आपकी ये मकाई टिक्की। चलिए अदिति जी, अब आप टेस्ट कीजिए और बताइए कि क्या है आपकी राय इस टिक्की के बारे में। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, एकदम मुलायम मुलायम, नहीं नहीं, एकदम टेस्टी टेस्टी, अरे नहीं, सात समुंदर पार मैं तेरे टिक्की टिक्की आ गई। क्या क्या तारीफ की है भाई। अब बारी है कुरांगी, करूंगी करूंगी। दीदी आपको पता है, हाँ, मैंने ना मकाई के सिर्फ पॉपकॉर्न खाए हैं, लेकिन आपने तो मकाई का टिक्की बना डाला, हाँ, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बहुत कमी, बहुत सॉफ्ट, एकदम मेरे दिल खुश हो गए हैं। ओके, ये बात तो मेरे मटर के दानों, किसको जाता है आपके दिल का लड्डू? हमारा दिल का लड्डू जाता है सबको। जजेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली भैया, हाँ जी, हमारे पास ना एक वो ना बहुत अच्छा अवार्ड है इन लोग के लिए। इनके लिए? हाँ। तोहफा 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 लाया लाया लाया, अवार्ड है आपके लिए, तोहफा तोहफा लाया लाया लाया। क्या है ये वाला ना किताब जो है ना तुम लोग को देना चाहते हैं। ये सब क्या है? अरे हार के बाद जब परिवार वाले पूछेंगे कि ना कटा के कहीं आए, क्या बोलेगी दीदी? इसमें से पढ़ के बता देना। हार के बाद मुझे छुपाने के एक ना एक तरीके, ये लो ले 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 लो। अगले राउंड में इन पन्नों की तरह तुम्हारे पंख भी उखाड़ दूंगी।
ऐसे क्यों देख रहे हो? उठा लो ना, दो चार पन्ने उठा लो, अगले राउंड में आंसू पोंछने के काम आएंगे। उठा लो उठा लो। अच्छा, वो तो वक्त ही बताएगा। बढ़िया ही। लगता है आज खाने में मिर्ची डलेगी ही नहीं, क्योंकि ये सारी मिर्ची तो एक दूसरे को ही लगा रही है। एक काम करते, शुरू करते अगला राउंड। अगला राउंड, तैयार हैं हम। स्टार्ट। हमारा अगला राउंड है छोंके का आखिरी मौका। हम नहीं गवाएंगे। देखो, ये आखिरी मौका है आपके पास स्वाद का सम्राट बनने के लिए। इस राउंड में आपको मिलेंगे 45 मिनट, लेकिन हमेशा की तरह खाना बनाने से पहले हम खेलेंगे चैलेंज दम लगाओ समय पाओ। इसी नोट पे साथियों सामान ले आओ, ले आओ। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, ये राउंड जीतने से आपको 5 मिनट पहले कुकिंग शुरू करने का मौका मिलेगा, मतलब 5 मिनट एक्स्ट्रा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इस राउंड में आपको करना क्या है। दोनों परिवार के जो एक एक कंटेस्टेंट है, सदस्य जो है, वो एक दूसरे के सामने यहाँ खड़े हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद मैं जो शरीर के अंग के नाम लूंगा, वो आपको अंग छूना है। जैसे कि मैंने कह दिया नाक, आप नाक को छू लेंगे, कान, आंख, घुटना, एड़ी, और इसी बीच अगर मैंने कह दिया आलू, तो आपको फटाफट आलू की पोटली उठा के भागना है। ऐसे 3 राउंड खेले जाएंगे। अच्छा, जिस टीम ने भी ज्यादा बार आलू की पोटली उठाकर लाइन पार कर गया, वो होगा इस चैलेंज का विनर। अपनी अपनी जगह ले लीजिए। आप दोनों टीम को ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अनमोल ने फर्स्ट राउंड जीत लिया है, क्या बात है। सेकेंड राउंड के लिए रेडी? रेडी। आप दोनों नहीं। अच्छा, आप दोनों वापस आ जाइए, आप दोनों जाइए। तब तक छुपेगी कैरी पत्तों के आड़ में। यू कैन डू इट। 3, 2, 1। नाखून, नाखून, नाखून। हाथ, 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 हाथ। एल्बो, एल्बो। घुटने, पेट, नाक, कोनी, आलू। चलिए, आप दोनों एक एक की बराबरी पर पहुंच गए हैं दोनों टीम। ये है लास्ट राउंड। 3, 2, 1। आलू, पानी लाओ, एक बाल्टी पानी लाओ इनको शौक से बाहर निकालने के लिए। ये आलू उबाल के दो इनको। देखो, अभी आप हुला हुप करके दिखाओ, हुला हुप करके दिखाओ। तो मैं आपको बता दूं कि दम लगाओ और समय पाओ के विनर है तो से नैना मिलाई के। इसका मतलब यह है कि आपको मिलता है मौका 5 मिनट पहले कुकिंग शुरू करने का। अरे अली भैया, जल्दी से बता दीजिए ना किससे खाना बनाना है। जिसके लिए आप लोग जानवरों की तरह लड़ रहे थे। क्या? ये आलू, आलू, आलू जो है आपके अगले राउंड का है मुख्य सामग्री। आलू से ही आपको आज कोई डिश बनानी है और जजेस को खुश करना है। हाँ जजेस, तो शुरू करें? शुरू करते हैं। हाँ, आप तो नहीं कर सकते, अफसोस। आप जब तक हुला हुप करते रहिएगा। सो 3, 1, go! हंसिनी, ये बताइए क्या सोचा है आपने आलू के साथ बनाने का?
आलू पापड़ का सब्जी। इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अरे अली भैया बहुत अच्छा लगता है, सीधा हमारे दिमाग से निकल कर यहाँ उतरेगा। तो तू बिल्कुल मत बनाओ। नहीं अली भैया, ये हमारे माई का रेसिपी है और शुद्ध घी में बनता है ये, और ये खाने में तो मुँह में जाएगा ना, तो आप मेरी माई को ना भूलिएगा। जय हो जय हो। अरे पिछले राउंड में नानी को नहीं भूले, अब तुम्हारी माई को नहीं भूलेंगे हम। लगे हाथ आप हमारे दर्शकों को इसकी सामग्री भी बता दो। अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची, दही, उबला हुआ आलू, पापड़ और घी। और इसकी विधि? पहले ना ये जो पापड़ है ना उसको डीप फ्राई करके रख देंगे, ठीक है। उसके बाद आलू को तड़का लगाएंगे शुद्ध घी में, पहले हरा मिर्चा डालेंगे, फिर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, उसके बाद नमक डालेंगे, फिर आलू उसमें डाल के मस्त उसको थोड़ा सा भुनेंगे, और उसके बाद उसमें निकाल के दही मिला के ऊपर से ना पापड़ चढ़ 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 चढ़। अली भैया कोहो, तुम एक चीज बताना भूल गई, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हम इसमें डालेंगे खूब सारा प्यार। प्यार से डालेगा मुझे उम्मीद है। उम्मीद क्या, मुझे तो लग ही रहा है कि हमारे जजेस को बहुत स्वादिष्ट लगने वाला है। तो तैयारी शुरू कर दीजिए आप। आपको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी इसको डीप फ्राई कर लो तब तक। टीम कायरा, तो 2.5 मिनट आपके होते हैं खत्म। अब तो फटाफट फटाफट मुझे बताइए आप क्या बनाने वाले हैं? हम लोग अचारी दम आलू बनाने वाले हैं। अचारी दम आलू, ओह इसकी सामग्री क्या है? सो हमने ये आलू बॉईल करके रखे हैं, और ये मेरा फेवरेट अचार का मसाला है। बाकी लोगों के घर में जो भी उनका फेवरेट अचार का मसाला है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये टमाटर है, टमाटर, कच्ची कैरी, कच्ची कैरी, जीरा, जीरा। इसकी विधि क्या है? सबसे पहले हम अचार का मसाला डालेंगे, उसके बाद उसमें ये जीरा डालेंगे, उसके बाद टमाटर और कैरी और आलू साथ में डाल देंगे, और फिर अच्छे से पका लेंगे। तो चलिए चलिए बनाना शुरू कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। इसमें इतना चौकने की क्या बात? मैं नहीं हूँ आलसी, ये आलसी है। आपको क्या मैं आलसी लगी? मैं इतना कूदते फंदते रहती हूँ, मैं आलसी नहीं हूँ, ये आलसी है। घर में एक भी काम नहीं करती। ऐसा आपने क्या कर दिया जिसके वजह से इनको आप आलसी लग रही है? बताओ आप बताओ। क्या सुबह उठती है तो ये आपको कहती है चाय बना के पिलाओ? नहीं नहीं, सुबह उठकर ये तो कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ मेकअप करने लगती है। अच्छा, आप बनाइए मेकअप, मेरा मतलब है अचारी आलू। तब तक मैं वहाँ का हाल जानकर आता हूँ। ये देखिए। अच्छा जब तक के वो फ्राई हो रहा है उसको धीमी आंच पे रख दीजिए। हाँ कर दिए। और सुनिए ना कुहु हंसनी जी, हाँ। दोनों आइए ना यहाँ पर। अच्छा थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक ले लेना चाहिए। हाँ, 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 वो टीम लगेगा उसको बनने में। हाँ, वो तो अपना काम करे, जब तक हम भी अपना एक छोटा सा हाँ, काम कर ले हाँ, थोड़ा क्या है मेंटली आदमी फ्रेश हो जाता है। अब देखो क्या है कुहु हंसनी, हम ना अपने दर्शकों को थोड़ा एंटरटेन करते हैं, है ना। आप में कितनी फुर्ती है ना, जोश है, आप चालाक हो, और हंसनी जी आप खूबसूरत है, आप भी चालाक हो, है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम रोल रिवर्सल कर लेते हैं। मतलब अदला बदली, अदला बदली। समझो मतलब? कि आप हाँ, कुहू जो है वो हाँ, कुहू नहीं है हाँ, वो हंसनी है हाँ, और हंसनी जो है वो हंसनी नहीं है वो कुहू है। हम कुहू बनेंगे। अच्छा ठीक है बन जाते हैं। तो सोच लीजिए आप घर में है हाँ, और आप कुहू और आप हंसनी हाँ, है, और एक छोटी सी बात को हाँ, लेकर आप दोनों में झगड़े हो गए है, लड़ाई हो गई है हाँ, स्टार्ट। ए कुल्ला चुल्ला, दीदी दीदी दीदी, ओए दीदी सारी दीदी सारी दीदी, हम तुम्हारा हाथ दबाएंगे दीदी, हम तुम्हारा पैर दबाएंगे, तो कितना अच्छा हो दीदी। ओए दीदी हमरी दीदी देखो बेस्ट, हमरी दीदी सबसे बेस्ट। ए देखो दीदी दीदी दीदी, ऐसा चापलूसी करने का कोई इज्जत नहीं है। ओए दीदी चलो खाना बनाओ, हमको बहुत भूख लगा है खाना। ओए देखो हमरी दीदी क्या कर रही है, ओए देखो देखो देखो। हंसनी दीदी तुमको पता है तुम कितनी सुंदर हो, तुम हमको छू नहीं सकती है, चलो करो। जब देखो ना कुहिया चुहिया ना रोती रहती है,
इसका तो कुछ नहीं हो सकता है। अरे जमीन नहीं, अपना रंग साफ करो। सुनी नहीं भाई, आपको समझ ही नहीं आता हमारा बहन कैसे हो गई। हे भगवान, भाग भाग। आई लव यू, आई लव यू दीदी। अरे अरे छू कहाँ रही है? आई दीदी देखो ना, हमने कितना सब कुछ बनाया, हमने कितना सब कुछ बनाया, हमने 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 आलू डाला, हमने जीरा डाला, हमने कितना सब कुछ डाला, हम कितने अच्छे हैं। आई ये कब डाला? ऐसे जोरदार तालियां हो जाए इन दोनों के लिए। कुहू और अंशनी, एक सवाल पूछूं आप दोनों से? पूछिए। तुम दोनों ससुराल संभाल रही हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों में से ससुराल का भार सबसे ज्यादा कौन उठा रहा है? अली भैया, हम जेठानी हैं। हाँ? तो आपको ही पता है, जग जाहिर है कि जेठानी के ऊपर ना कंधों पे बहुत बोझ होता है, तो सबका भार ससुराल में हम ही उठाते हैं। ऐसे कैसे मान ले, हम बड़की बहन हैं, तो बड़की बहन होने के नाते ससुराल का बोझ, इतना भारी बोझ हम उठाते। नहीं अली भैया, ऐसा हो सकता है क्या? जो जेठानी होती है, जो बड़ी होती घर की, वही उठाती ना जो बड़ी बहू होती है। दीदी तुम भी ना, तुम बड़ी बहन अपने घर में थी, हमारे घर में थी, या ससुराल में, तो हम बड़े हैं ना। अली भैया, ये कुहिया चुहिया ना बहुत ज्यादा बोल रही है, बहुत बकर 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 इसका जुबान चल रहा है। अगर अच्छा अच्छा, अगर इतना ही है, अगर इतना ही है तो हमको प्रूफ करके दिखाओ। करो प्रूफ, हम मान लेंगे, करके दिखा देंगे प्रूफ। कैसे? हाँ कैसे, कर दो प्रूफ। हम कर देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दो। हम ईंट का जवाब एकदम भर के पत्थर से देंगे। दो कई बातों करने बातें करने वाले करके दिखाते कुछ होगा। हम जो करेंगे ना अली भैया, दीदी नहीं कर पाएगी। कहे कि हम जानते हैं कि हम बड़ी बहू हैं, तो बोझ हम ही उठाते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हंसनी ना कर पाए। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, अभी जो हम काम करेंगे ना, उसके बाद दीदी को बोलिएगा करने के लिए। क्या करने जा रही है आप, बताओ? ये है तुम्हारी बहन भक्ति। आइए हंसनी जी, चलिए देखते है। हम भी देखते, क्या करने जा रही है? कुछ ऐसे क्या सर के बल चलेगी? पहले हम ना अपना शरीर गरम करेंगे। आई का बोली? हाँ, शरीर को गरम करेंगे। एक दो तीन चार। ठीक है, बंदर की तरह उछल कूद कर रही है। अरे तुमको क्या पता, देखो कंधा में बोझ। कंटिन्यू कंटिन्यू, पता है। देखो अभी गरम हो गया, अभी देखिए, अभी हम दिखाते हैं दीदी को। अदिति, अदिति देवो भव, इधर आ जाओ। हम जो करेंगे नाली भैया, अदिति को ना हमारे पेट पे बैठा देना, बस पेट पे बैठा दे। तो बहुत भारी। ओह कम ऑन, बाप रे। अली भैया बैठा दीजिए अदिति को। बिठा दूं? हाँ पक्का। इधर इधर से आजा। बाप रे अदिति संभाल के। अदिति बस गिरा मत देना दीदी को प्लीज। ओए चलती भी है। असली असली ये तो बात। ये तो वही है ना। क्या बात है, लोग सीधे नहीं चल पाते, ये उल्टे मुंह चलती है। क्या बात है, कहे थे ना हम, कहे थे दीदी से नहीं हो। अब आप करके दिखाइए। आई आई आप करके पुशअप, पुशअप कर, पुशअप नहीं, उल्टे हो करके। उल्टा उल्टा, हाँ हाँ उल्टा। और इस बार हम बैठेंगे ऊपर। चलिए अली भैया, हमको क्या लगता है ना, हमको लगता है कि जीत कुहू को दे देते हैं। ओके, दे देते हैं। कहे कि हमको अपना शरीर, सुनो तो, कहे कि हमको अपना शरीर तोड़वाने का कोई शौक नहीं है। कुहू, आपने वाकई प्रूफ कर दिया कि आप अपने ससुराल का बोझ उठाते हैं, इन कंधों पर उठाते हैं। अली भैया, कुहू में एक बात है, कुहू कभी झूठ नहीं बोलती है। मन की इतनी साफ है ना, वो जो बोलती है ना एकदम सच बोलती है, वही करती है जो कर सकती है। बस कर पगली, अब रुलाएगी। हम यही सोच रहे थे कि आप रो देंगे बिना ग्लीस के। अरे कुहू के लिए ताली बजा दो यार। अमूमन हमने देखा है कि कोर्ट कचहरी में जजेस का जो फैसला आता है उसे सर आंखों पर रखते हैं। आज तो आपने स्वयं जज को ही अपने ऊपर रख लिया था। क्या बात है, वाह दीदी, वाह दीदी, आई एम वेरी इंप्रेस्ड।
अभी आपके खाने में नमक कम भी हो ना, नहीं, नहीं, नहीं। तो कोई बात नहीं, कुछ कम नहीं होगा अली भैया, आप देखिए कुछ कम नहीं होगा। स्वाद ना भी हो ना तो भी कोई बात नहीं। अनमोल, अनमोल, अनमोल। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बात काटने की? अब तुम मुझे सिखाओगी कि काम कैसे होता है? ये कल की आई लड़की मुझे काम करना सिखाएगी? अरे लेकिन जेठानी जी, हम तो बस 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 एक शब्द और बोला ना तो जुबान खींच लेंगे। अरे अरे मृदुला जी, खबरदार, अरे घर की... हमारे परिवार का मामला है, बाहर वाले अगर बाहर ही रहे तो बेहतर होगा। लेकिन घर का मामला है, घर में करना चाहिए था, इस सबके सामने ऐसे अनमोल पे। वाह, अभी बाहर वाले सिखाएंगे कि घर के रिश्ते कैसे निभाने। आज यहाँ किचन की जंग में तुम्हें थोड़ी सी छूट क्या दे दी, तुम्हारे तो पर ही निकला है। देखिए देखिए मृदुला जी, ऐसी क्या बात हो गई जो आप इस पर चिल्ला रही हो? अली भैया प्लीज, आप दूर ही रहिए तो बेहतर होगा। ऐसा नहीं कहते मृदुला जी, ये तो अली भैया हैं, ये सब सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं ना अली भैया। हमको समझ नहीं आ रहा है। अब बस करते हैं, इन लोगों के पसीने छूटने लगे। भाई अली भैया, हमारा चक्कर आ गया था माता की सबके सामने। अरे भाई, घर पे तो हमारे तेवर गर्म ही होते हैं, पर यहाँ पर मीठी मीठी बातें करके ना हम थक गए थे, तो सोचा क्यों ना अपना वाला तड़का लगा दे। यार हाँ, लेकिन तड़का के चक्कर में ना एकदम पूरा दिल जिगरा सब बाहर हो रहा है ना अली भैया। इनको तड़का के चक्कर में हमारा बीपी हाई हो गया। अरे मेरी तो चीख निकलने वाली थी। दीदी ये भी कोई प्रैंक होता है क्या? वही तो, सब लोग टेंशन में आ गए थे। गलत बात है, चलो चलो हंसनी दीदी, हम लोग अपना काम कर लेते हैं, इन्हें तो डरा दी थी। I'm sorry. हम तो बस मजाक कर रहे थे, सॉरी। तो साथियों, काउंट डाउन बिगिंस। 5, 4, 3, 2, 1। सर्चे नीचे। कैसा है ये रिश्ता अंजाना? औरतों से नैना मिलाई के टेस्टिंग के लिए तैयार, जजेस टेस्ट करने के लिए तैयार। तो हम शुरू करेंगे टीम। वहीं जाएंगे तो से नैना मिलाई के। बहुत बढ़िया, ये आलू सूखे सूखे हैं, लेकिन इसका जो मसाला है ना, कैच का मसाला, उसने इसमें रौनक डाल दी है। और ये ऊपर से धनिया, क्या प्लेटिंग की है यार, देखिए मजा आया ना। हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव। हाँ हाँ ना ना बहुत यम्मी है। यस। अब चलते हैं दूसरी टीम की तरफ। शायरी उड़ चुकी है। रिश्तेदारों के पैर छुओ तो मिलते हैं नोट भारी। बड़ा टेस्टी था आपका ये आलू दम अचारी। जज अदिति, क्रिस्पी है, बाकी सब कुछ मस्त है, लेकिन थोड़ा सा कच्चा है। आलू को चबा चबा के जूसी जूसी आलू का मजा लेते हुए। बहुत यम्मी है, बहुत ज्यादा। टेस्टिंग हो चुकी है, जजेस
फैसले के साथ तैयार है? किस टीम को दोगे आप अपने दिल का लड्डू? आदिति, ये मेरी मम्मी के हाथ के स्वाद के थे और ये मेरी मौसी के। मौसी फिर भी अच्छा बनाती है लेकिन मम्मी का जो हाथ का स्वाद है वो मौसी से बढ़ गया है, इसीलिए मम्मी। मेरे दिल का लड्डू जाता है। दोनों टीमें के स्कोर पे सारा दारोमदार जो है वो जज दुरांगी पर है। ये बताइए, दर्शकों को बता दीजिए कि आपका लड्डू कहाँ लैंड करेगा? यहाँ, दुरांगी, यहाँ, दुरांगी, यहाँ, कमान, यहाँ। किचन की जंग में स्वाद के सम्राट का खिताब जीता है। कैसा है ये रिश्ता अनजाना परिवार में? इनको मिलती है किचन के जंग की चमचमाती ट्रॉफी। दोनों टीम्स को कैच की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर। लेते हैं आपसे विदा, अगले रविवार फिर से मिलेंगे दंगल परिवार के नए रिश्तों के साथ, यही ऑन डाबर रेड बे फ्रेश जेल प्रेजेंस किचन की जंग दंगल फैमिली के साथ। को पावर्ड बाय कैच मसाले, एसोसिएट स्पॉन्सर अजमोला।